गांव के अस्पताल लाया गया था। तब अगर पोस्टमार्टम किया होता तो ये केस कुछ अलग ही होता। सुमित का मर्डर हुआ था? यस इंस्पेक्टर। जिस तरह से स्कल में मल्टीपल फ्रैक्चर्स आए, वो पेड़ से एक बार गिर के होना लगभग नामुमकिन है। ऐसा लगता है किसी ने उसके सर को काफी फोर्स के साथ बार बार पेड़ के तने से टकराया। क्योंकि सुमित का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, इसलिए एक इंपॉर्टेंट डिटेल सामने नहीं आई। सुमित का भी रेप हुआ था, ब्रूटल सोडमी। तो अब पूरी पॉसिबिलिटी है कि सुमित का भी रेप और मर्डर हुआ, ठीक वैसे ही जैसे मयंक का हुआ। यस, सेफली कंक्लूड कर सकते हैं। फिर भी मैंने हेयर सैंपल्स को मैचिंग के लिए फॉरेंसिक भेज दिया है, पर यह महज एक फॉर्मेलिटी है। जिस किसी ने भी ये काम किया है वो बहुत ही विकृत मानसिकता का इंसान है। आई एम सो सॉरी इंस्पेक्टर, पर उस दिन इमरजेंसी थी जब वो लोग सुमित को लेकर हॉस्पिटल आए। बच्चे के पेरेंट्स ने क्लियरली कहा कि वो पेड़ से गिरा था। लेकिन पेड़ से गिरना भी एक एक्सीडेंटल डेथ केस है, पुलिस को इन्फॉर्म करना आपकी ड्यूटी बनती थी। अगर तभी पोस्टमार्टम हुआ होता तो ये भयानक कांड बहुत पहले सामने आ गया होता और मैंक के साथ हुए हादसे को रोका जा सकता था। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ सर। पहले सुमित, फिर मयंक, अब क्या बहाना है तेरा? साहब, मैं एक जुर्म कबूल करता हूँ। सब मैंने हरीश के खेतों की उपज में हेरा फेरी की थी, मैं लालची हो गया था। लेकिन साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझ पर इतने गंदे घिनौने इल्जाम बंद लगाइए। वो बहुत मासूम बच्चे थे साहब। जिन पर तुझे गुस्सा था, पता है हमें चिढ़ता था तो उन दोनों से। साहब ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुमित को अस्पताल ले जाते हुए मैं जीतू के साथ, मैं सगाई वाली शाम साहब सचमुच मेरा पेट खराब हो गया था, मैं घर चला गया था। झूठ बोल रहा है तू? तो कोई घर नहीं गया था, कोई तरह पेट वेट खराब नहीं हुआ था। जो भी सच है सच बोल। तो आप ना मेरी पत्नी से पूछ लीजिए, वो सब बताकर गया था कि मेरा पेट खराब है, मैं घर जा रहा हूं। और जब सब सुमित की खबर आई थी ना, तब मैं मंदिर में था, आरती में लगा हुआ था। मैडम, मैं और मेरे पति हम दोनों उस दिन आरती में थे जब पुष्पा दौड़ी दौड़ी आई और उसने कहा सुमित पेड़ से गिर पड़ा है। और उस दिन 26 तारीख को भी सगाई के वक्त मेरे पति के पेट में दर्द हो रहा था, उन्हें दस्त लगे थे। गौरी, मेरे पेट में दोबारा गड़बड़ हो रही है। आपने दवाई ली थी क्या? दवाई ली थी, उसके बावजूद हो रही है। मैं घर जा रहा हूँ। मैं हॉल से बाहर निकला था तब मैंने मैं उनको देखा था, बैठा हुआ था गुमसुम। आपको मुझे जितना मारना है ना मुझे मारो, लेकिन मैंने कोई कांड नहीं किया है। मुझे बच्चों पे गुस्सा आता था, वो मेरे बादाम चुराते थे। हरीश जी पे भी गुस्सा था, बेरोजगार कर दिया था। लेकिन साहब, इतनी ऊंची हरकत, इतने घटिया इल्जाम मत लगाइए। सुमित के साथ जो हुआ, क्या मयंक को उसके बारे में कोई भनक हुई होगी? सर, मयंक को उसी दिन बुखार चढ़ा था। सर, तनाव में फीवर आना ये कॉमन है बच्चों में। सर, नारायण के मुताबिक मयंक सगाई के दिन भी उदास था। वो कम्युनिटी हॉल के बाहर गुमसुम बैठा हुआ था, उदास। हो सकता है वहां से उसे किसी ने उठा लिया हो, पर मयंक इस पर चिल्लाया ना हो। सर, मयंक 3 हफ्ते से डिप्रेशन में था। क्या सर, ये सिर्फ दोस्त सुमित को खो देने का दुख था या फिर सुमित की मौत के बारे में किसी जानकारी को लेकर दुख था? सर, शायद वो डरा हुआ होगा। शायद इस सब की जड़ सुमित के मर्डर से जुड़ी हुई है। दोनों को सोडोमाइज किया गया, दोनों को सरपटक कर मार डाला गया। एक बेहद विकृत और सड़ा हुआ दिमाग ही ऐसी हरकत कर सकता है। विकृत बर्ताव का एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल इंस्पेक्टर। इस केस में 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली ये, या तो ये आदमी अपने अंदर बच्चों के प्रति एक भयंकर हीन भावना पालता था और उन्हें दर्द देकर उसे एक विकृत सुकून मिला होगा। दूसरी, या तो फिर इस आदमी के मन में बच्चों के माँ बाप के प्रति एक अनकंट्रोल गुस्सा था और उन्हें आजीवन दर्द देने के लिए वो इन बच्चों को एक दर्दनाक मौत देता है। और तीसरी पॉसिबिलिटी, वो महज एक सेक्स मैनियक था जिसकी सेक्सुअलिटी बुरी और पूरी तरह से इंबैलेंस थी, और रेप करने के बाद अपने बचाव के लिए वो विक्टिम्स का मर्डर कर देता था। मैं नारायण को पूरी तरह से रूल आउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसे प्राइम सस्पेक्ट बनाने के लिए हमारे पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हम गलत पेड़ पर चढ़ जाएं और असली मुजरिम यहां गांव में एक और बच्चे को अपना शिकार बना जाए। सर, जो भी मुजरिम है, सुमित के केस में तो कानून के रडार से बच निकला, पर मयंक के केस में पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। हमें इसकी विकृत हरकतों को यहीं पर रोक देना है। मयंक और सुमित के दोस्तों से बात करते हैं, पता लगाते हैं कि 5 जून को दरअसल क्या हुआ था। हो सकता है उसके पहले कुछ हुआ हो। सुमित और मयंक हमेशा साथ में खेलते थे, फिर 5 जून को ऐसा क्या था कि सुमित अकेला खेल रहा था। आरती सर,
तुम सुमित और मयंक के दोस्तों से बात करो, एक एक डिटेल निकलवाओ। राइट सर। मैं दोनों के पेरेंट्स के साथ बात करता हूँ। अनिल, तुम एक लिस्ट बनाओ सारे सेक्स ऑफेंडर्स की। यहाँ गांव में कोई भी अगर ऐसा है जिसकी सेक्सुअल हरकतों पे कोई सवाल या निशान है, कोई पुलिस रिकॉर्ड है या कोई भी ऐसा किस्सा है छोटे से छोटा, उसे घसीट लो। तो भी मुझसे वही सवाल कर रही है? मैं आपसे सवाल नहीं कर रही जी, मैं तो बस आपसे पूछ रही हूँ। पूछा भी कैसे, बच्चों के साथ करूंगा? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं जी। गलत तो पुलिस कर रही है मेरे साथ, ये दो और दो जोड़कर मुझे मुजरिम ठहराने में लगे, और गलत कर रही है तू जो मुझसे पूछ रही कि माजरा क्या है। गौरी, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मैंने। बेटा वीर, अमन, निखिल, आप लोग मुझसे डरो नहीं। 5 जून को आप सभी का दोस्त सुमित जिस पेड़ से गिरा और फिर उसके बाद वो बेहोश हो गया और फिर नहीं रहा, उस दिन क्या आप लोग उसके साथ खेल रहे थे? और उस शाम को खेलने के बाद आप सभी अपने अपने घर चले गए? हमें नहीं पता सर, मयंक जब घर आया तब उसे बुखार था। मयंक और सुमित हमेशा साथ होते थे। उस शाम मयंक ने कुछ बताया सुमित के बारे में कि सुमित कहाँ गया है? कुछ नहीं कहा, चुपचाप आकर लेट गया। मैंने पूछा कि क्या हुआ तो बोला कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने उसे छू कर देखा तो उसको तेज बुखार था। कब तक खेल रहे थे वो तो पता नहीं मैडम, पर वीर को जल्दी जाना था। अभी मेरे को बाहर जाना है। क्यों? पापा ने कहा था कुछ जरूरी काम है। यार थोड़ी देर तो खेल के जा। हाँ वही तो यार, अभी हमारी बैटिंग भी नहीं आई है यार। हाँ। जान देना। अच्छा ठीक है, ले जा। चल भाई फिर कल मिलते हैं। अभी चल चल भाई। उसके बाद सुमित और मयंक साथ निकले। हम लोग उन्हें चुंबक कहते थे, जैसे एक दूसरे से चिपके हो। क्या कोई ऐसा था जो सुमित और मयंक से बहुत ज्यादा घुलता मिलता था? अच्छा बेटा, आप लोग बताओ सुमित की डेथ के बाद क्या कभी मयंक ने आप लोगों से उसके बारे में कुछ शेयर किया? नहीं मैडम, सुमित के डेथ के बाद मयंक एकदम उदास हो गया था, एकदम चुप चुप। हम तो इसी बात से परेशान थे कि सुमित की मौत के कारण हमारा मयंक कितना बीमार रह रहा है। मयंक ने कुछ बताया नहीं तो हमें कैसे पता चलता कि सुमित के साथ ये ऐसा कुछ, और फिर हमारे मयंक के साथ भी ऐसा कुछ होगा। इस नारायण की दुश्मनी आपके साथ थी ना, तो फिर उसने हमारे बच्चे के साथ। मीरा जी, नारायण ने साफ मना किया, उसका कहना है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। ऊपर से हमारे पास भी नारायण के खिलाफ कोई ठोस सबूत इकट्ठा नहीं हुए। इसके लिए हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है कि क्या मयंक अपने अंदर कोई जानकारी छुपा कर बैठा था जिसकी वजह से वो घुट रहा था? क्या उसके अंदर कोई डर था? शायद इसी वजह से वो बीमार रहने लगा था और फिर मायूस। ये बात हमारी समझ में क्यों नहीं आई बिना? नारायण और गौरी दोनों आरती में मेरे साथ थे, फिर अचानक पुष्पा दौड़ी दौड़ी आई और हम सब ये देखने के लिए भागे कि क्या हो गया सुमित को। और जहाँ तक 26 जून की बात है तो उस दिन तो मैं सगाई की विधि में मगन था, मुझे कुछ नहीं पता नारायण कब गया और क्यों गया। रामचरण जी, आप गाँव में उस मंदिर में काफ़ी सालों से, सबको जानते हैं, और सालों में पहली बार ऐसा ये भयंकर कांड हुआ है गाँव में। अजी, यहाँ एक मामूली सी चोरी भी नहीं हुई है सालों से। तो आपको लगता है कि ये काम किसी गांव वाले का नहीं है? कौन कर सकता है ऐसा, मेरी तो सोच के ही आत्मा कांप जाती है। इतनी विकृति दोनों मासूम लड़कों के साथ? जी नहीं मैडम, हम आरती में तो नहीं गए थे। तो फिर हम रोज दोपहर में खेत में जाते समय घास इकट्ठा करते, फिर उसकी गठरी बांध कर उस पेड़ के नीचे रख देते, फिर शाम को जब घर पे आते हैं तो उस गठरी को घर पर लेके आते। उस शाम भी वही हुआ था। अरे सुमित! तब तुम्हें ये लग रहा था कि सुमित पेड़ से गिरकर बेहोश हुआ है,
पर अब जब ये क्लियर हो चुका है कि सुमित का मर्डर हुआ था, ठीक से याद करो और याद करके बताओ। पेड़ की तरफ जा रही थी अपनी गठरी लेने के लिए, तो आपने रास्ते में किसी को देखा था आते जाते, या फिर साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे? जी नहीं मैडम, किसके पास इतना समय होता है कौन आता है कौन जाता है देखने के लिए। नारायण के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे खेतों की देखभाल मैं खुद करता हूं। सुमित की मौत के बाद मयंक कभी मिलने आया था आप लोगों से? आपका और हरीश शुक्ला का किसी काम से या किसी और कारण से मिलना होता है कभी? कुछ साथ में करते हो? कोई कॉमन चीज है आप दोनों के बीच? एक ही गांव के जो है, हमारे बच्चे साथ पढ़ा करते थे। दूसरी कॉमन चीज यह है कि हमारे दोनों के बच्चों के साथ। मुझे बच्चों की उम्र का तो है नहीं, बड़ा है, लेकिन जो भी कोई है बच्चों को अच्छी तरह से जानता होगा, फ्रेंडली होगा उनके साथ। यही कारण होगा कि बच्चों को बहला फुसला कर ले गया, और इसी वजह से हमले के वक्त दोनों बच्चों में से कोई चिल्लाया नहीं। देखिए, मुझे नहीं जानना है कब हुआ, कैसे हुआ, नहीं जानना है मुझे। हमारा इरादा आपके जख्मों को खरीदने का नहीं, हमारा मकसद है उस आदमी तक पहुंचना जिसने आपको इतना गहरा जख्म दिया। जो भी होगा, जब भी पकड़ा जाएगा उसे एक सवाल जरूर पूछना, ऐसी क्या नाराजगी थी बच्चों के साथ जो उनके साथ इतनी हैवानियत दिखाई। जी हाँ, हाई टेम्परेचर था, दवाइयों के बाद भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लगा था कि किसी गहरे शौक में था मयंक, क्योंकि कई दवाइयों के बाद भी उसका बुखार उतर ही नहीं रहा था। डॉक्टर अमृत, क्या मयंक ने आपसे कुछ कहा था, कोई हिंट दी थी? जी नहीं, हालांकि मुझे मयंक की माँ ने उसके फ्रेंड सुमित की डेथ के बारे में बताया था। मुझे लगा शायद इसी वजह से वो डिप्रेस्ड है। कुछ दिन बाद पता चला कि मयंक के साथ ये हो गया है। डॉक्टर, मैंने मयंक के स्कूल में भी बात की, वहाँ सबका यही कहना है कि सुमित की डेथ के बाद पूरे 3 हफ्ते तक, जब तक मयंक जिंदा था, उसने किसी से भी स्कूल में कभी भी सुमित के बारे में कोई बात नहीं की। बस हाँ, वो खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान और मायूस रहता था। अब क्या कहें मैडम, शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि उस बच्चे मयंक के अंदर इतना कुछ चल रहा था। साहब, आपका पहला संदिग्ध रवि वर्मा, उसकी पूरी डिटेल निकाल ली मैंने। सरकार, इस रवि वर्मा के खिलाफ भी कुछ खास ऐसा सामने नहीं आया है। रवि के अलावा गिरीश मिश्रा की खबर निकाली है, वो 26 जून को जिसे सगाई थी ना, वो। ये बंदा साहब अपनी मोटरसाइकिल पर दोनों बच्चों को खूब घुमाता था। साहब, ये गिरीश ना बहुत मिलनसार बंदा है, सिर्फ उन दोनों के साथ नहीं, गांव के बाकी बच्चों के साथ भी ना फुल हंसी मजाक करता है। दिमाग भी एकदम टिप टॉप है, 12वीं पास है, अच्छा कमाता है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। नरेश चंडेल हाईवे के पास एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता है। उसका बेटा अंकित छोटे मोटे काम करता है, कभी प्रीतम नगर में, कभी साजिदपुर में। सरकार, इस अंकित के यहाँ भी ऐसा कोई मेंटल केस सामने नहीं आया है, और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। और गहराई में खोज जतन, हमें कोई पर्सनल एंगल नहीं मिल रहा है। हो सकता है कोई चर्सी वगैरह हो, पहली बार कांड करने के बाद निकल गया क्योंकि सबको लगा पेड़ से गिरा है, फिर दूसरी बार अटैक किया उसने। सुमित के हेयर सैंपल्स क्राइम सीन के हेयर सैंपल्स के साथ मैच कर गए हैं इंस्पेक्टर। पूरी संभावना है कि सुमित के सर को पेड़ के तने से जोर से पटका गया होगा कई बार, जिसके चलते फ्रैक्चर्स और हेमरेज हुआ। इस बात की पूरी संभावना है कि दोनों का कातिल एक ही है। प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक सस्पेक्ट है, नारायण, लेकिन उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। लगता है एक्यूज्ड विक्टिम्स को पहले से जानता था, उन बच्चों के साथ घुल मिलने के बाद उसने उनका भरोसा जीता, और फिर उसने पहले सुमित को और बाद में मयंक को निशाना बनाया होगा। लेकिन वो शख्स कौन है ये तभी क्लियर हो पाएगा जब मोटिव क्लियर होगा। सर, मयंक का डॉक्टर, स्कूल टीचर, पेरेंट्स और दोस्त सभी इस बात को अग्री करते हैं कि सुमित की मौत के बाद मयंक बहुत उदास रहता था। सिर्फ फीवर वाला मामला नहीं था। काश किसी ने कुछ तो पूछा होता मयंक से कि उसे कौन हैरेस कर रहा है, उसे कौन डरा रहा है।
शायद उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा हो। सर पूरे एरिया के ड्रग एडिक्ट्स और सेक्स ऑफेंडर्स कोर्ट है, खूब कुटाई भी की, इस नारायण की भी दोबारा क्वेश्चनिंग की, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया। मुझे लगता है सुमित और मयंक के केसेस में कोई बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग होने के बावजूद वो नजरअंदाज हुआ है। मुझे ये भी लग रहा है कि सुमित के साथ जो उस पेड़ के नीचे हुआ, शायद उसका कोई चश्मदीद गवाह था और वो था मयंक। शायद मयंक ने सुमित के हत्यारे का चेहरा देख लिया, वो इससे इतनी बुरी तरह से डर गया होगा कि उसकी जबानी खामोश पड़ गई। फिर उस विकृत हत्यारे ने मयंक को कम्युनिटी हॉल के बाहर अकेला पाया और फिर उस पर अटैक किया। दोनों फैमिलीज ऐसी कोई भी लीड नहीं दे पा रही हैं, कोई कॉमन दुश्मन, कॉमन राइवलरी, जिससे दोनों फैमिलीज इफेक्ट हुई हो, नथिंग। जब मयंक को बुखार चढ़ा तब मुझे उसके बुखार की फिक्र थी, जबकि ये दिख रहा था कि मयंक मायूस है, परेशान है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि सुमित के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके बारे में मयंक को पता है, और शायद इसीलिए वो इतना सहम गया। हमने भी कहाँ सोचा था सुमित के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। हमें तो लगा था पेड़ से गिरने की वजह से सुमित की ये अब सोचता हूं तो लगता है किसी ने हमारे बच्चों को इतनी दर्दनाक मौत क्यों दी। मेरी तो नारायण के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, फिर भी तुम्हारी किसी के साथ दुश्मनी थी हरीश, जो तुम्हें इतनी महंगी पड़ी। सर ये नारायण शायद इसलिए बुरा फंसा क्योंकि ये दोनों दफा मौका वारदात पे मौजूद था और ऊपर से इसकी मयंक के फादर हरीश के साथ अनबन थी। बस वही तो था जो ऑटो लेके आया था सुमित को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि नारायण मुजरिम नहीं है और ये भी मान लेते हैं कि मयंक ने सुमित के कातिल को देखा था, तो पूरे 3 हफ्ते 5 जून से लेकर 26 जून तक मयंक जिस डर में रहा होगा उसी डर में कातिल भी जिया होगा। सर अगर हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जाते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि कातिल ने यह देख लिया होगा कि मयंक ने कत्ल होते हुए देख लिया और फिर शायद उसने मयंक को भी रास्ते से हटा दिया होगा। आरती एक मिनट, अगर ऐसा है तो क्या उन 3 हफ्तों में कातिल ने मयंक तक पहुंचने की कोशिश नहीं की होगी, स्कूल में या कहीं और? अगर हमारी ये थ्योरी फिट है तो फिर कातिल ने मयंक को अकेले पाने की कोशिशें की होंगी और सगाई के दौरान कम्युनिटी हॉल के बाहर उसे मौका मिल गया और उसे लपक लिया। सुमित की खबर के बाद मयंक कभी खेलने गया ही नहीं। स्कूल? स्कूल जाता था अकेले। मैं जाती थी मयंक को छोड़ने और लेने, मेरी बेटी नेहा के साथ। ज्यादातर उसकी तबीयत खराब ही थी, मुश्किल से 3-4 दिन ही गया होगा। बाकी के दिन घर पर ही रहता था। सगाई में आने से भी इनकार ही कर रहा था, और तो मैंने ही उसे मना लिया क्योंकि हम लोग उसे घर पर अकेले छोड़ना नहीं चाहते थे। तो उस रात पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मयंक घर से बाहर आया सगाई के लिए और वहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के बजाय अकेले बैठा था। मैं अपने आप को कोस कोस कर थक गया हूँ सर कि क्यों मैंने उसे बाहर खेलने भेजा। मैं उसे बाहर भेजता नहीं तो उसे कुछ होता भी नहीं। कातिल घात लगाए बैठा था कि कब मयंक उसे घर से बाहर अकेला मिले। पूरे 3 हफ्तों से ट्रैकिंग चल रही होगी। मयंक घर से बाहर अकेले खेलने जाता नहीं था लेकिन कातिल इंतजार कर रहा होगा। सर 26 जून की रात को उसे वो एक मौका मिला जब गांव के सभी लोग गिरीश मिश्रा की सगाई में लगे हुए थे। सिर्फ इस नारायण को छोड़कर ये पहले निकल गया था वहां से, बाकी सारे सगाई वाले मेहमान वहीं पर थे। सर सर ये रवि वर्मा हमारा पहला सस्पेक्ट, ये सगाई के एक दिन पहले अपने ससुराल में था दूसरे गाँव प्रीतम नगर। वो उस रात मुक्तिपुर में नहीं आया था, ये बात वेरीफाई हो चुकी है। हमारा टारगेट है वो आदमी जो गांव का ही है लेकिन उस रात सगाई में नहीं आया था, लेकिन सगाई के वेन्यू के आसपास इंतजार में बैठा था मयंक को अकेला पाने के लिए।
गांव के वो कौन कौन मर्द हैं जो उस रात गांव में ही थे लेकिन सगाई की दावत में नहीं आए थे? सर, मैंने तो गांव के घर घर में नोता दिया था और मेहमानों की लिस्ट भी आपको दे दी थी। अब उनमें से कौन नहीं आया इसकी गिनती मैंने नहीं रखी। रमन जी, थोड़ा जोर डालिए, सोचिए, याद कीजिए, कोई और ऐसा था जो नहीं आया था सगाई पर? रमन जी, हमें शक है कि जो कातिल है वो गांव का ही कोई बंदा है जो शायद सगाई में नहीं आया था। वो कम्युनिटी हॉल के बाहर ये घात लगाए बैठा था कि कब उसे मयंक अकेले मिल जाए, और अनफॉर्चुनेटली मिला भी। रमन जी, सोच विचार कीजिए, गांव वालों से भी बात कीजिए, हो सकता है उनमें से किसी ने कुछ ऐसा देखा हो। जी सर, मैं बात करूंगा। ये गांव इतना बड़ा तो है नहीं, सगाई में आए मेहमानों ने आपस में जरूर बातें की होंगी कि कौन कौन नहीं आया। गांव वालों की ग्रिलिंग बनती है। सर, मैंने थोड़ा ध्यान दिया तो मुझे एक बात याद आई। आप सब लोग जब मयंक को ढूंढ रहे थे तो ये नारायण गुप्ता कहाँ था? मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जब मैं काम से घर लौट रहा था तब नारायण कहीं जा रहा था। ये नरेश चंदेल का बेटा अंकित, ये सगाई में नहीं था क्योंकि उसने कहा था कि काम से लौटते वक्त उसने नारायण को कहीं जाते हुए देखा। इसका मतलब वो सगाई में नहीं था, और मैंने जोर देकर याद किया तो वाकई वो वहां नहीं था। अंकित की माँ आप? जी। अंकित है घर पर? नहीं, वो तो काम पर गया है। कहाँ काम करता है वो? प्रीतम नगर में। प्रीतम नगर में कहाँ पर? बस इतना पता है कि वहां पे मंडी में किसी ठेले पे काम करता है। चल बे अंकित, बुलावा आया तेरा। क्या हो गया साहब? तूने 26 जून को उस नारायण गुप्ता को देखा था ना घर जाते वक्त? हाँ, मैंने देखा था नारायण को। उसी सिलसिले में हमारे साहब तेरे को देखना चाहते हैं। अरे चल, ज्यादा सोचे मत, चल। कहाँ तक का मतलब? हम लोग तो नारायण के बारे में बात करने वाले थे। अंकित, 26 जून की रात को तू कहाँ था? क्या साहब, अब मैंने आपको अभी बताया, मैं भगवान भाई के ठेले पर था, भजिए तल रहा था। और कहाँ हो सकता हूँ? ठेले पर तू कितने बजे तक था? कितने बजे? सर, हमारा ठेला काफी देर रात तक चलता है, और कितने बजे थे मैंने ध्यान नहीं दिया। आंखें बंद कर सोच और हमें बता कि तू भगवान के ठेले से कितने बजे लौटा, गांव में कितने बजे दाखिल हुआ, और घर जाते वक्त नारायण को तूने कितने बजे देखा? ये अंकित रोज काम पर तो आता नहीं मैडम, जिस दिन भी आता है पूरे दिन काम करता है, और उसकी जो भी मजदूरी बनती है टिका देता हूँ। 26 जून को अंकित आया था काम पे? मैडम, इस तरीके से इस बंदे का कभी हिसाब रखा नहीं, कितने दिन आया, कब आया, कब गया। देखो भगवान, ठीक से याद करो और हमें बताओ, क्योंकि ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि 5 जून और 26 जून इन दो दिनों की शाम अंकित तुम्हारे ठेले पे आया था या नहीं आया था। 5 जून को मैं कहाँ था? सर, मैं काम पर था। मुझे समझ नहीं आ रहा आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सब सवाल। तूने नारायण को एग्जैक्टली किस जगह पर देखा था? गांव की गली में देखा था सर। मैं काम से अपने घर जा रहा था साइकिल पर, तभी मैंने देखा नारायण कहीं जा रहा था, बस। और ये बात मैंने गांव में सभी को बताई थी, और कई बार बता चुका हूं मैं बात। अंकित, किसी झूठ को रटकर बार बार कहने से वो झूठ सच नहीं हो जाता है। साहब, मैं झूठ नहीं बोलता। अभी 10 सेकंड पहले बोला। क्या बोला साहब, बताइए क्या झूठ बोला मैंने? कि तू 5 जून की रात को भगवान के ठेले पर था, जबकि सच ये है कि तू उस दिन काम पर गया ही नहीं था। ये किसने बताया आपको? हमसे बताया किसी ने कि तू उस दिन काम पर नहीं गया था। कोई गोली दे रहा है आपको? आप हमारे बेटे अंकित को क्यों उठा कर ले आए? वो तो सगाई में था ही नहीं। मैं 26 जून की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 5 जून की बात कर रहा हूं। उस दिन तुम्हारा बेटा कितने बजे घर वापस लौटा था? आया होगा जैसे रोज आता है अपना काम खत्म करने के बाद। ओ साहब, ये नारायण के खिलाफ कुछ मिला नहीं तो मेरे बच्चे को फंसाओगे आप। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा अंकित और शायद तुम भी, तुम दोनों मिलकर नारायण को फंसाने की कोशिश में? क्या, हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि आपका अंकित इस गाँव में सिर्फ एकमात्र ऐसा लड़का है जिसने नारायण की बात निकाली कि उसने अपने घर जाते वक्त नारायण को देखा, और उसके बाद तुमने उसकी बात छेड़ी। तुम्ही ने कहा था ना कि वो सगाई में से जल्दी निकल गया था, सिर्फ तुम दोनों बाप बेटों को ही नारायण दिखा। उस नारायण को बचाने के लिए आप हम गरीबों को बलि का बकरा बना रहे हो, लेकिन एक बात सुन लो, हम गरीब जरूर है लेकिन गवार नहीं है।
हमें मालूम है कानून अंधा नहीं है और ना ही भ्रष्ट उसके रखवालों की तरह। बहुत ऊपर तक लड़ेंगे हम, अपने बेटे की जमानत करवा के ही छोड़ेंगे। जमानत तब होती है जब गिरफ्तारी होती है। हमने तुम्हारे बेटे को गिरफ्तार नहीं किया, हम उससे सिर्फ कुछ सवाल पूछे। हाँ तो पूछो मेरे सामने। जब आप उसे उठाने आए थे तो कोई आर्डर था आपके साथ? तो दिखाइए उसकी कॉपी हमें। देखिए नरेश जी, आप दोनों शांत बैठ जाइए, हम थोड़ी देर में आपके बेटे को छोड़ देंगे। ना, उसे अभी और इसी वक्त रिहा कीजिए। आप उसे रिहा करते हैं कि मैं जाऊं कोर्ट में? साहब मेरे तो दोस्त जैसे थे सुमित और मयंक। मैं पसंद करता था उन दोनों बच्चों को, मैं कई बार उनके साथ खेला भी, पेड़ पे चढ़ना, क्रिकेट। और अब तू हमारे साथ खेल रहा है अंकित, हमें ठीक से बता नहीं रहा है कि 5 जून को तू घर कितने बजे पहुंचा था। अभी तो बोला मैंने आपको, मुझे समय याद नहीं है, मैं तो घड़ी तक नहीं पहनता। अब मैं जाऊं। सर एक मिनट, सर संकेत का बाप नरेश चंडेल काफी हल्ला मचा रहा है। वो कह रहा है कि हम इसके बच्चे को जबरदस्ती उठा के लेकर आए, कोर्ट में जाने की धमकी दे रहा है। वो पकड़ वाला भगवान, उससे कुछ निकला कि 5 जून और 26 जून को ये अंकित कहाँ था? सर आरती उससे पूछताछ कर रही है, पर वो कह रहा है कि उसे कुछ याद ही नहीं। ये अकेला आदमी है जो दावा कर रहा है कि घर जाते वक्त इसने नारायण को देखा था, पर इसे टाइम ठीक से याद नहीं है। सर अभी के लिए इसको जाने देते हैं, रडार में आ गया है, इसकी पूरी तरह से स्पेशल स्कैनिंग करते हैं, देखते हैं कि उन दोनों विक्टिम्स के साथ ये कैसे कनेक्टेड है। उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ काम करता है तो मैंने बता दिया, मुझे क्या पता था कि इसी को उठा ले जाएंगे। और तुझसे क्या पूछ रहे थे? आड़े टेढ़े सवाल थे बाबा, मैंने बोल दिया कि मुझे समय याद नहीं है और मैंने नारायण को देखा था बस। पर तुझे क्यों उठा कर ले गए थे, इसके बारे में कुछ कहा उन्होंने? हाँ बोले, कहने लगे मैं अकेला था जो सगाई पे नहीं था। मैंने बोल दिया मैं भजिया तल रहा था उस वक्त, फिर ना पूछा उन्होंने ना कुछ बोले। ये जीतू हरीश को कोई मिला नहीं इसलिए हमें फंसा रहे, वो क्या समझते हैं पैसे वाले तो किस पे भी इल्जाम लगा देंगे। अरे पूरे गांव को खेद है, दुख है उनके बच्चों के बारे में, पर वो हमारे बच्चों पे झूठा इल्जाम लगाकर उसे जेल भिजवा रहे हैं। हाँ अंकित कहाँ है, कहाँ छुपा रखा है आप लोगों ने से? हम लोग उसी को ढूंढ रहे हैं साहब। आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहकर डरा दिया उसे। अंकित रात को ही घर से कहीं चला गया है, फोन तक बंद करके रखा है बेवकूफ ने। वो डर कर नहीं भागा है, वो इसलिए भागा है क्योंकि वो दोषी है, उसने झूठ बोला था हमसे, जैसे कि शायद आप लोगों ने भी बोला था। ये क्या बक रहे हैं आप? उसने भले ही नारायण को घर जाते वक्त देखा हो, लेकिन इस डबल रेप और मर्डर केस में अंकित ही शामिल था, इस बात का पूरा शक है हमें। क्या बकवास कर रहे हैं सर आप? कोई सबूत है तो दिखाइए मुझे। सबसे बड़ा सबूत है उसका भागना। वाह, इसलिए वो दोषी हो गया? आखिर वो ऐसा करेगा क्यों? वो तो अभी पता करना बाकी है, लेकिन इस कांड की बू हमें इसी घर से आ रही है। क्या मतलब है आपका? आपके पिताजी भरत लाल जी और जीतू के पिताजी सुरेंद्र राठौड़ के बीच एक गहरा जोड़ है, और वही जोड़ इस केस का तोड़ है। अब आप हमें बताइए है या नहीं? उस सबसे अंकित का क्या वास्ता? सरकार इस अंकित का बहुत पुराना कनेक्शन मालूम पड़ा है, और ये तब की बात है जब ये बंदा पैदा भी नहीं हुआ होगा। जतिन पहलियां मत बुझा, पारा चढ़ा हुआ है, काम की बात बोल। सरकार ये करीब 41 साल पुरानी बात है, ये जीतू राठौड़ तभी शायद पैदा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, तभी उसने आपसे इस बात का जिक्र नहीं किया। शॉर्ट में बोल, कट टू कट, काम की बात। इस जीतू राठौड़ का एक चाचा है ईश्वर राठौड़, जो इस वक्त सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। क्या? जी हाँ सरकार, करीब 41 साल पुराना मर्डर केस है। ये 1984 की जजमेंट कॉपी है मैडम, बड़ी मुश्किल से कोर्ट की लाइब्रेरी से जाके इसकी कॉपी निकाल पाया हूँ मैं।
मैडम पूछ सकता हूँ कि क्यों मंगवाया आपने ये केस पेपर, मतलब इतना पुराना केस? एक डबल मर्डर केस है जिसका कनेक्शन इस केस के साथ बन रहा है। हमें ये मिला जब हमें अंकित पर शक हुआ और देखा कि बच्चों के मर्डर का केस आपके पिता, आपके चाचा और अंकित के दादा से जुड़ा है। ये अदालत आरोपी सुरेंद्र राठौर और ईश्वर राठौर को 13 सितंबर 1976 को हुए भरतलाल चंदेल के कत्ल के इल्जाम में दोषी पाती। कुछ पैसों का मसला था, मैंने भी अपनी माँ से बाद में सुना था। अंकित के दादा भरतलाल चंदेल ने आपके पिता सुरेंद्र राठौड़ से कर्ज लिया था जो लौटा नहीं रहे थे, तो आपके पिता सुरेंद्र राठौड़ ने अपने छोटे भाई ईश्वर राठौड़ के साथ मिलकर भरतलाल चंदेल को मार डाला। सर मैंने पूरी जिंदगी अपने पिताजी को जेल के अंदर ही देखा है, वो वहीं पर चल बसे। सर मेरे चाचा जी आज भी वहां पर सड़ रहे हैं और इतने साल पहले किए हुए जुर्म के लिए अब जाके उस अंकित ने मेरे बच्चे के साथ, उस मासूम मयंक के साथ ये सब किया। बदला लेने? झूठ है ये, सरासर झूठ। अंकित हमारे पिताजी के मर्डर का बदला क्यों लेगा, तब तो वो पैदा भी नहीं हुआ था। अब इस सवाल का जवाब तो सिर्फ और सिर्फ अंकित ही दे सकता है। इतनी पुरानी बात जिसकी वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई उसका इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे बेटे को फंसाने के लिए। उसी गरीबी और लाचारी की वजह से हम ज्यादा पढ़ नहीं पाए, आगे नहीं बढ़ पाए। और जीतू को देखो, अपने घर हुए कांड का जिम्मा हमारे बेटे के सर पे डाल रहा है। साहब बदला तो वो ले रहा है हमसे। ये पुरानी दुश्मनी की जानकारी जीतू ने नहीं दी हमें। अंकित को खंगालते वक्त ये एंगल खुद ब खुद हमारे सामने आया है। अंकित चुपचाप हमारे सामने सरेंडर कर दे, इसी में उसकी भलाई है और आपकी भी। चंदेल की तस्वीर हर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, चौक, मार्केट सब जगह लगाई गई है। ये बंदा हमें हमारी हिरासत में किसी भी हाल में चाहिए। तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, उसके ऊपर एक सेकंड भी नहीं। और पिछली बार जोर की लगी थी, मैं नहीं आऊंगा। अरे चल जाओ, ऊपर जाएंगे, वहां से पूरा मुक्तिपुर दिखेगा। चल तुझे चढ़ना है, चढ़, मैं नहीं आऊंगा। हाँ जा फटू, जा जा। हाँ ठीक है, कल मिलेंगे। आजा। कैसे हो? मस्त, तू कैसा है? ठीक। कैसे अंकित भैया? मस्त, हमेशा की तरह। तू कैसा है? मैं भी मस्त। अच्छा सुन, ताजे ताजे मोतीचूर के लड्डू खाएगा? मंदिर में बांट रहे हैं? अरे मंदिर में नहीं यार, मेरा खास दोस्त है राजू, वो बना रहा है एकदम ताजा ताजा गर्मा गर्म, खाएगा ना? आ नीचे उतर, आजा आजा। आवाज मत निकालना, गला काट दूंगा, चू मत करना।
मैं हर अड्डे पर हर जगह घुमाई पर कोई लीड नहीं मिल रही है। तेरे जितने भी आदमी हैं नए पुराने सबको काम पर लगा दे। ये संगीत की जेब में ज्यादा पैसे नहीं है, ये ज्यादा दूर भाग नहीं सकता और ना ही कहीं छुप सकता है। हमने तो सारे रिश्तेदारों को फोन किया है, उन सबके नंबर भी आपको दे दिए, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। हमें अंकित किसी भी सूरत में चाहिए और इसमें आप हमारी मदद कर सकती हैं, इसमें अंकित की भी मदद होगी। मेरा अंकित इतना घिनौना काम कर ही नहीं सकता, कितना गुस्सा आया हम सबने जिंदगी भर और अब ये सब। देखिए सर, आप लोग नई नई कहानी बुन रहे हैं, हमारे अंकित को फंसा रहे हैं आप लोग। तो उसी से पूछ लेते हैं, इतना भी क्या घबराना कि चार सवाल पूछते ही गायब हो गया है अंकित, सामने तो लाइए उसे। पूरे 41 साल के बाद ऐसा बदला। हमको तो तभी अजीब लगा था जब उसने खुद ही नारायण का नाम लिया। अरे बेचारा नारायण तो बेवजह घसीटा गया इस सब में, पुलिस ने पीटा सो अलग, ऊपर से लोगों के सामने इतना बड़ा अपमान भी हुआ। चीतू भैया, वो हम अंकित को देखे। हाँ? गांव के बाहर वो टूटा खंडर है ना, उधर ही दुपक के बैठा हुआ है। भागने की कोशिश मत करें अंकित, तूने अपने दादाजी के मर्डर की आड़ में अपनी विकृति निकाली है। तू
बीमार है साले, तेरा दिमाग तेरी आत्मा सड़ चुकी है, गल चुकी है। हाँ, मेरा दिल और दिमाग गल चुका है गुस्से के तेजाब से। मुझे जीतू को ही मार देना चाहिए था। गुस्से का तेजाब? कहाँ का गुस्सा बे? तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था जब जीतू के चाचा और बाप ने तेरे दादा का कत्ल किया था। पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, पला तो उसी घर में हूं ना। पूरा बचपन, पूरी जवानी मैंने अपने बाप, अपनी माँ, अपनी दादी और अपने ताऊ से सिर्फ एक ही बात सुनी कि कैसे जीतू के बाप ने और उसके चाचा ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे बाबा और ताऊ जी पढ़ नहीं सके, हमारे पूरे परिवार की शान खाक में मिल गई। मैं यही रोना सुनता था दिन रात। जितना दर्द मेरे बाप और ताऊ जी को हुआ उतना ही दर्द मेरे को जीतू को देना था। अरे बात तेरे दादाजी ने आके तेरे सपने में बोली थी कि बदला ले, छोटे बच्चे को मारने से पहले उनका बलात्कार कर, सर पटक पटक के मार दे, ये बोला था। मेरा मयंक को मारने का बिल्कुल इरादा नहीं था, वो तो उसने मुझे सुमित को मारते हुए देख लिया था तो मुझे मारना पड़ा उसको। अगर तूने उन दोनों बच्चों को सिर्फ मार डाला होता ना तो मैं तेरी इस बेहुदा बदले की कहानी पर 1% भरोसा भी कर लेता, लेकिन तूने दो छोटे छोटे मासूम बच्चों को सिर्फ मारा नहीं है, उनका पहले बलात्कार किया फिर मारा। कैसा बदला ये, या फिर तेरी विकृत भूख का नतीजा? क्या पता इससे पहले भी दूसरे लड़कों या दूसरे बच्चों के साथ बलात्कार करके उन्हें मार डाला। बोल बोल, छोड़ दो तुझे बाहर, छोड़ दो तुझे बाहर, जीतू और हरीश के लिए या उनके रिश्तेदारों के लिए, उनके रिश्तेदारों के रिश्तेदारों के लिए, कि वो सब भी तेरे साथ वही करें जो तूने उन दोनों बच्चों के साथ किया। कब से कह रहा था मैं कि मैं ये घटिया काम नहीं कर सकता। देख भाई, मैंने माना, लेकिन हर रोज ऐसा केस भी नहीं आता और हर रोज किसी की ऐसी पिटाई भी नहीं होती। पर जिसकी होती है ना पिटाई और बदनामी, जिंदगी भर की होती है। अंकित ने क्या कर दिया? क्यों क्यों? मुझे डर लगता था पेड़ से गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। ये दर्द तो उस चोट से है जिसकी बीज हमने बोई भी नहीं। मयंक इतना डरा हुआ था, इतना सहमा हुआ था, क्यों नहीं हमने उसे गले लगाकर पूछा कि बेटा बोलो, क्या बातें बोलो, डरो मत, बोलो हमसे क्या बात है। अपने दिल और दिमाग में द्वेष के नासूर को पलने ही ना दे। द्वेष ना किसी इंसान से हो ना किसी अतीत के किस्से से, क्योंकि पता ही नहीं चलता यह द्वेष कब इतनी गहरी नफरत में बदल जाता है और इतना जहर उगलता है जो तेजाब की तरह हर चीज को, हर रिश्ते को जलाकर राख कर देता है। नफरत सबसे बड़ा दुश्मन नफरत करने वाले का है। यह एक ऐसा बॉम्ब है जो उसी के हाथ में फटता है और उसी को ढेर कर देता है। नफरत के बीज बोए नहीं जाने चाहिए, उन्हें तुरंत दफन किया जाना चाहिए। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।